राजधानी शिमला में मंगलवार को जगत सिंह नेगी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कुछ लोग यूनिवर्सल कार्टन को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराला में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसे फैलाया जाए। उन्होंने कहा कि बागवानों की लंबी मांग थी कि एप्पल का पैकेजिंग जो है वे स्टैंडर्ड टाइप फॉर्म में किया जाए, उसी के तहत यूनिवर्सल कार्टन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उन्होंने कहा कि बीच में कुछ लोग हैं जो यूनिवर्सल कार्टन को नहीं चाहते हैं, वे लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और वही लोग मंडी में जाकर हल्ला कर रहे हैं। यूनिवर्सल कार्टन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग यूनिवर्सल कार्टन को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्सल कार्टन को लेकर कुछ लोग जो है एक लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कल पराला का जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो भी कोई जो है एक उसको जो ज़्यादा ही मतलब इन्होंने तूल दे दिया है, जबकि कोई इस किस्म की बात वहाँ नहीं हुई है। ये फैसला गवर्नमेंट ने कोई जल्दबाजी में नहीं किया, बड़े मतलब पूरे जो बागवान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ कई दौर की बैठकें करने के बाद, और बागवानों की लंबी मांग थी कि एप्पल का पैकेजिंग जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया जाए, और उसी के तहत जो है यूनिवर्सल कार्टन का नोटिफिकेशन हुआ। परंतु बीच में कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं यूनिवर्सल कार्टन के द्वारा जो है एप्पल का पैकेजिंग हो, वो लोग मंडी में आकर आप देखिए कल के उसमें अगर आप वहाँ की सच्चाई जानेंगे तो वहाँ 4-5 लोग आकर जो है हल्ला गुल्ला करने बैठे थे, और जब हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त की तो हमने कहा था कि जो हमारे जो नाशपाती का सीजन चला हुआ है तो नाशपाती के लिए तो कोई भी किसी भी पैकेज में लाने की छूट है, पर नाशपाती जो है बाय वेट ही जाना है। फलों के लिए जो है कानून बना दिया है, नियम बना दिया है कि सभी वेट बाय वेट जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लाएंगे, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं थी। पर कुछ लोग जो है इंसिस्ट कर रहे थे कि उन्हें जो है टेलीस्कोपिक में जो है एप्पल लाने दिया जाए, जो कि नियम के खिलाफ है, और यूनिवर्सल कार्टन आज जगह जगह पे उपलब्ध है, और हमने जो है मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए HPMC के द्वारा जो है ये यूनिवर्सल कार्टन्स जो है बहुत सारे जगह पर आपके सेल सेंटरों में उपलब्ध भी करा दिया है। तो कहीं भी यूनिवर्सल कार्टन जो है मैन्युफैक्चरर्स भी जो है ओपन में बेच रहे हैं, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल जैसे लास्ट ईयर जो है जब बाय वेट शुरू किया तब भी यही दिक्कत आ रही थी, कई लोगों का हल्ला था कि हम इसको कैसे तोलेंगे, क्या करेंगे। जब हमने सख्ती से कानून को नियम को लागू किया तो सब कुछ ठीक लाइन पे आ गया। तो अभी भी लोगों को जो है भ्रमित करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं जो बागवानों के हित में नहीं है, और यूनिवर्सल कार्टन की कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर ग्रोवर्स 99% ग्रोवर्स जो है इस व्यवस्था से जो है खुश हैं, और केवल कुछ 1% से कम लोग जो है जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है वो लोग इस व्यवस्था को लोगों के अंदर पॉपुलर होने नहीं देना चाहते। जो भी फल मंडी में बिकेगा वो बाय वेट बिकेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन तो जो है कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी जब हमने बाय वेट शुरू किया तो ये कहा कि ये तोलना संभव नहीं है, वहाँ पर कांटे नहीं लग सकते हैं, फलाना नहीं लग सकते हैं। जब हमने सख्ती की तो सब कुछ ठीक आ गया। तो अभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने कोई 1 हफ्ते के अंदर यूनिवर्सल कार्टन का फैसला नहीं लिया, कई दौर की बैठकें बागवानों के साथ, आढ़तियों के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ हुई है। सब कुछ करने के बाद साइंटिफिक तरीके से IIT के द्वारा जो है ये इजाद किया गया है, पूरा पैमाना नाप के सेब का आकार, सेब का वजन सब करके किया गया है। तो ये कहना गलत है कि कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। कन्फ्यूजन जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो चंद लोग हैं, और कल पराला में जब हमने वहाँ पता किया तो उन लोगों का भी यही था कि हमारे पास कोई थोड़े से पेटियाँ बची हुई है, तो हमने कहा उसको नाशपाती में डालो। अब ये तो कभी भी एंडिंग नहीं होगा, हर आदमी कहेगा मेरे पास इतने पड़े हुए हैं तो पूरा सीजन हम क्या 2 किस्म की पेटियां चलाएंगे, जबकि यूनिवर्सल मांग कोई हमारी नहीं है, ये तो पब्लिक है, जो बागवान है कई जो है सालों से मांग कर रहे हैं, और उनकी मांग को जब पूरा किया गया, इसमें बागवानों के बड़े बड़े जो संस्थाएँ हैं वो सबके साथ जो है बातचीत करने के बाद हुआ है।
अभी तक जो मेरे पास आपके जानकारी है, हमने एचपीएमसी के द्वारा मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एचपीएमसी ने भी जो है टेंडर कराया है, और हमने सेल सेंटरों में, चाहे रोडू में कहिए, चाहे गुमा में कहिए, चाहे ये आपके इधर दूसरे क्षेत्रों में जहाँ लो बेल्ट पे जो सेब तैयार हो रहा है, वहाँ हमने जो है ये उपलब्ध करा दिए हैं, और अभी ये प्रोसेस जारी है, और अभी हफ्ते के अंदर सारे सेल सेंटरों में एचपीएमसी के द्वारा भी सप्लाई जो है पहुंच रहा है, और बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी जो है शुरू कर दिया है। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब कोई किल्लत हो जाएगी या कोई शॉर्टेज है, तो शुरुआत में कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत रहती है कमियाँ, पर कोशिश सबकी ये है कि मार्केट में एप्पल ग्रोवर्स को जो है बेहतर तरीके से उनको जो है ये हम सेवाएं दे सकें, उनके उत्पाद का जो है अच्छा दाम मिल सके, उसकी हमारी कोशिश है। हम कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं थोप रहे हैं, ये बागवानों की अपनी मांग है, और वैसे भी बाय वेट जो है नियम बना हुआ है, और यूनिवर्सल पैकेजिंग भी जो है बागवानों की लंबे समय से मांग है, उसी को हमने पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।